अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो आज आप लोगों के साथ मैं करवाने वाली हूँ होम टूर। तो यहाँ पे बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा है। ज़रूर बताएं कमेंट्स में कहाँ कहाँ बारिश हो रही है। शुक्र है थोड़ा सा जो है वो मौसम चेंज हुआ, लेकिन यहाँ पे इतनी थोड़ी बारिश हुई थी, उसके बाद यहाँ पे हबस हो गया था। खैर चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना होम टूर। तो ये है जी घर की मेन एंट्रेंस, और हम यहाँ से होंगे घर में इंटर। तो मैंने जी अपने दीदी को कहा था मेरी वीडियो बनाना जरूर, अब अल्लाह जाने वो कैसी वीडियो बनाएगी। तो खैर यहाँ पे हम हो गए हैं सबसे पहले इंटर। अच्छा, आप लोग भी लास्ट में बताइएगा कि आप लोगों को कमेंट्स में ये घर कैसा लगा। घर जो ऐसा भी हो लेकिन घर जो होता है वो लोगों से होता है, प्यार मोहब्बत से होता है, ना कि दरों दीवारों से होता है। खैर यहाँ पे जी सबसे पहले इंटर होते हैं तो ये आ जाता है गैरेज, और ये एक आ जाता है बैठक, लेकिन इसका हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले जी यहाँ पे आ जाता है वॉशरूम, एक इंटर होते ही गैरेज। अच्छा, जो अक्सर मेहमान वगैरह आते हैं या कोई भी आता है बैठक में, तो उसके लिए जो है वो ये वॉशरूम है, और आई थिंक इसको पाउडर वॉशरूम बोला जाता है मेरे ख्याल से, कमेंट्स में मुझे लास्ट में बताएं। तो यहाँ पे ये विंडो है, ये बैठक है, इसका मैं टूर आप लोगों के साथ बाद में करवाऊंगी। तो यहाँ आ जाता है ये गैरेज, और गैरेज के बाद ये एक डोर है जिससे अंदर इंटर होते हैं, और ये वाला डोर जो है यहाँ से ऊपर जाते हैं। तो चलें सबसे पहले हम नीचे का विजिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अजहान साहब खड़े हुए थे, और ये सबसे पहले इंटर होते ही आ जाता है सामने ही छोटा सा किचन, और यहाँ पे रखा हुआ है पानी, और ये है कि यहाँ पे रखा हुआ था पानी। और सबसे आगे इंटर होते ही आ जाता है एक छोटा सा किचन, और बाकी ये है कि किचन की इस टाइम ऐसी हालत है, कमेंट में आप लोग कहेंगे कि प्लीज किचन साफ कर लेंगे वो। तो बस ये है कि बच्चों के साथ सब इकट्ठे हुए होते हैं ना जब, तो फिर ये होता है कि टाइम वगैरह फिर कम ही मिलता है। तो इनशाला किसी दिन हम किचन की भी डीप क्लीनिंग करेंगे, वो वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ लास्ट में शेयर करूंगी। और ये किचन है, किचन इसका ये है कि यहाँ पे लगा हुआ है साथ में एक मिरर, काफी बड़ा सारा लंबा सा, जिसके ऊपर तैयार होकर आप अपना पूरा खुद को देख सकते हैं। और अच्छा, यहाँ पे जो नीचे किचन है ना, यहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं बना सकते, क्योंकि अगर हम खाना वगैरह बनाते हैं तो पूरे घर में इतनी ज्यादा गर्मी हो जाती है। तो ये जो आजकल के बंद घर होते हैं ना, इनका ये बहुत नुकसान होता है कि आप लोग करें तो बस बिल्कुल गर्मी हो जाती है। इसके बाद किचन के साथ ही यहाँ पे आ जाता है एक और रूम, और इस रूम का है जी ये वाला अटैच वॉशरूम। और जरूर बताइएगा कमेंट्स में कैसा लग रहा है आपको ये घर। बहुत प्यारा छोटा सा घर है, बड़ा खूबसूरत घर है छोटा सा, और ये है कि एक छोटी सी फैमिली के लिए बेस्ट है। और आप लोग बाकी ये है कि इस घर में कोई भी कबर्ड वगैरह जो दीवार के साथ बनी होती है, तो वॉल कबर्ड्स वगैरह नहीं बनी हुई। ये एक वेंटिलेशन है, ये यहाँ से ये काफी ऊंचा, या फिर इतना खतरनाक लगता है ना ऊपर से जब बंदा नीचे देखे, और ना इसका बंद होने का कोई रास्ता इन्होंने किया हुआ है कि, और बच्चों का तो इतना खतरनाक सीन होता है ना कि अगर ऊपर चले जाए। तो मेरी मानना है कि घर जो होते हैं ना वो प्यार मोहब्बत से ही बनते हैं। उसके बाद जो है यार, मतलब मैं कहती हूँ देखिए कितना प्यारा घर लोगों ने बनाया है उन्होंने, और अल्लाह ताला उन्हें रहना नसीब करे, सबका अपना अपना घर दे, जिनके घर नहीं है जो किराए के घरों में रह रहे हैं। बड़ा मुश्किल होता है हर महीने जो है रेंट देना, वाकई में इट्स वेरी टफ। तो अल्लाह ताला उन्हें अपना घर देना नसीब करे। तो ये जी किचन के सामने यहाँ पे रखा हुआ है फ्रिज, और यहाँ पे इसी के सामने रखे हुए हैं सोफे, और फिर यहाँ पे आ जाती है बैठक। ये वाली बैठक जो है, ये वाला रूम कह लें, ये हमने लिया हुआ है। यहाँ पे मैं सोती हूँ, बच्चे सोते हैं, और हम लोग यहीं पे सोते हैं। यहाँ पे मैं सोती हूँ, और ये रखा है कूलर। बच्चे जो है मेरे पीछे 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 फिर रहे हैं कि पता नहीं माँ जी क्या कर रही है हमारी। और बाकी ये है कि अल्लाह ताला सबको सबका घर देना नसीब करे। मैं कहती हूँ घर वाकई में ही बहुत बड़ी नेमत होती है, अपना घर स्पेशली होना बहुत बड़ी नेमत होती है। तो खैर यहाँ पे अब हम जा रहे हैं ऊपर सेकंड फ्लोर पे। तो यहाँ ऊपर जाते ही सबसे पहले तो यहाँ पे दो रखे हुए हैं क्यूट क्यूट से गमले, और जी एक विंडो यहाँ पे है। अच्छा, इस घर में ना एक चीज़ है कि इस घर में हवा का क्रॉसिंग बहुत काम है। गेट वगैरह, मेन गेट आप खोलोगे ना तो आपको तभी है कि घर में एक हवा का थोड़ा नजर आएगा, और बाय द वे उसके अलावा जो है बहुत कम है, बहुत कम है तो हवा वाली क्रॉसिंग ना घर में। खैर ऊपर आते ही सबसे पहले तो यहाँ पे है इसके साथ ही एक किचन। ये वाला किचन जरा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे खाना वगैरह हम बनाते हैं तो यहाँ पे हवा गर्मी वगैरह नहीं होती, क्रॉस होता रहता है ये कि ये वाला सीन है। अच्छा, ये किचन है, और इसके अलावा ये यहाँ से थर्ड फ्लोर आ जाता है, और ये इसका सहन है, वो उसका वॉशरूम है ऊपर, और यहाँ पे जो है कपड़े वगैरह मशीन लगाने की जगह है। और जी ये देखिए नीचे को देखते हैं जब, तो कितना खौफनाक सा लगता है इंसान। खैर
चलें। और अब इसके अलावा जी ये यहाँ पे ऊपर जाने का रास्ता है, ऊपर जाने वाला रास्ते का इंशाल्लाह हम बाद में जाएंगे। तो ये नीचे का एक वॉशरूम है, और मैंने कहा आप लोगों को साथ साथ वॉशरूम की भी विजिट करवा दूँ। तो ये है पाकिस्तान का एक खूबसूरत सा घर। तो आप लोग भी लास्ट में बताएं कि आप लोगों का घर जैसा भी हो, देखें मैं कहती हूँ घर जैसा भी होता है ना प्यारा ही होता है। तो घर ये है स्टोर, और ये है जी रूम मेरे भाई और भाभी का जो यहाँ पे नहीं है। सामान इनका बिल्कुल पैक हुआ हुआ है, ये भी बेचारा एक स्टोर रूम की तरह ही बन गया है, इसकी शक्ल भी एक स्टोर रूम वाली ही शक्ल है। और जी ये है इनका वॉशरूम, बिल्कुल जो सामान वगैरह था उनका पीछे से पैक कर दिया गया था, क्योंकि इस घर में वाकई में कोई भी नहीं होता। तो ये है कि अम्मी अबू वगैरह और रहते हैं, तो बस ये होता है कि ज़्यादातर क्योंकि आना जाना कम ही होता है, सो दैट सामान वगैरह सारा कुछ पैक हुआ हुआ है। बस नीचे का ही पोर्शन ज़रा इसको सेट वगैरह किया हुआ है ताकि आए जाएँ तो वहीं रहें। तो ये है स्टोर, और ये है एक प्यारी सी गैलरी जहाँ पे बड़ी हवा आती है, और हम यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, हम यहाँ पे बैठे रहते हैं। बड़ा ज़बरदस्त सा एक कह दें कि यहाँ से हवा बहुत अच्छी आती है, क्रॉसिंग बड़ी अच्छी होती है ऊपर जो है ना। लेकिन जब शदीद गर्मी होती है ना, इतनी गर्म हवा आ रही होती है ना यहाँ से, यकीन माने। और नीचे जो है वो बच्चे खेल रहे हैं, ये मेरा छोटू वाला खेल रहा है, और ये है मेरा अजान जो देख रहा था मम्मा क्या कह रही हो आप। तो बाकी ये है कि आप लोग जरूर बताएं कमेंट्स में आप लोगों की तरफ मौसम कैसा है। और यहाँ मौसम काफी खुशगवार हुआ हुआ है, जबरदस्त हुआ हुआ है। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड फ्लोर पे, आप लोगों को दिखाती हूँ। और थर्ड फ्लोर की जो दीवारें हैं वो बहुत ज्यादा, अब हम चलते हैं थर्ड फ्लोर पे। और मैं जा रही थी यहाँ पे थर्ड फ्लोर पे, और देख सकते हैं आप इधर से भी एक व्यू देख लें। छोटा सा घर है, बड़ा प्यारा घर है, मतलब छोटी सी फैमिली के लिए बेस्ट है। और ये आगे है हम थर्ड फ्लोर पे। तो जी आज मौसम वाकई में बड़ा मजे का है, बड़ा अच्छा है। ऊपर आके इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो ये देखें जरा यहाँ पे कितना खतरनाक है। यहाँ पे बच्चों को तो मैं बिल्कुल बिल्कुल भी ऊपर आने नहीं देती, क्योंकि यहाँ से मुझे इतना डर लगता है ना, ये जाली भी ऐसी है, बेध्यानी में बच्चों को कुछ पता नहीं होता। अगर आपके घर भी ऐसा कोई सीन है तो प्लीज प्लीज बच्चों को बिल्कुल भी ऊपर जाने ना दें, खुद भी साथ ना जाए, खुद भी साथ ना लेके जाए। क्योंकि देखिए बच्चे का नहीं पता होता, बेध्यानी में बच्चा जो है कब क्या कर दे उसका बिल्कुल भी नहीं पता होता। तो इसलिए मैं तो बिल्कुल भी नहीं आने देती बच्चों को, बच्चों को नहीं पता होता कब भाग जाए कब कुछ कर लें। तो खैर ये देखें जी ऊपर से व्यू देख लें घर का। तो ये था एक आज छोटा सा कहते हैं ब्लॉग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, क्योंकि इसकी मुझे बड़ी क्वेस्ट आ रही थी कि आप मुझे घर का टूर दें, घर का टूर दें। तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ एक घर का टूर भी शेयर कर लूं। और बाकी ये है कि हाइट से किस किस को फोबिया है लाजमी बताइएगा। मुझे हाइट से फोबिया नहीं है, लेकिन फिर भी एक डर लगता है कि सोच के बच्चे साथ हों तो इसलिए। तो ये है एक ओवरऑल व्यू घर का, वो देखें सामने दो रूम है, और यहाँ से जो है ये ऊपर वाली छत है, और ये सहन है। तो बाकी ये है कि जरूर बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, कमेंट्स लगा के लास्ट में बताइएगा घर कैसा लगा आपको। अब आप कमेंट्स में ये मत लिख लें घर खाली साफ कर लें ये वो, घर को मैं जो है हम लोग साफ कर ही ले रहे हैं, नीचे वाला एरिया तो साफ ही था। बच्चों के साथ जो है वो ऐसा ही होता है, फिर तो इन बच्चों के साथ फिर घर ऊपर वाला जो है वो इस तरह ही है, क्योंकि उधर कोई रहना रोना नहीं होता, तो इसलिए बस ऐसे ही है। तो लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, ब्लॉग कैसा लगा, घर कैसा लगा जिसका आप बार बार कहते हैं अपना टूर दें। और इंशाल्लाह अब मैं जाऊंगी तो इस बार मैं अपने जो मेरा घर है, जो पर्सनली मेरा घर है, मैं उसका भी टूर आप लोगों को दूंगी। तो आज बना रहे थे हम दाल चावल, तो आज फिर भाभी को मैंने कहा कि चले आप हम लोग बना लेते हैं वो जो चने की दाल और छिलकों वाली दाल होती है ना उसको मिक्स करके, ये बड़े मज़े की बनती है चावलों के साथ खाएं। तो ज़रूर आप लोग भी बताइएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोग बनाते हैं ये दाल। तो बाकी दालें तो बनती बनती हैं, लेकिन ये भी बड़े मज़े की दाल बनती है। मैंने भी भाभी ने बनाई थी, तो मैंने फर्स्ट टाइम चावलों के साथ खाई थी, मुझे बड़ी मज़े की लगी थी। तो यहाँ पे मैं दाल निकाल के जो उसको भिगो रही थी, गैस अभी नहीं थी, गैस आएगी तो फिर उसके बाद जो है दाल चढ़ाई जाएगी। तो बाकी ये है कि आप लोगों की तरफ गैस की क्या रूटीन है आने जाने की, बाकी ये कि जरूर मुझे कॉमेंट्स करके बताएं आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। बहुत मोहब्बत और बहुत प्यार दे रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतने मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार देते हैं, ऐसे ही प्यार करते रहे, ऐसे ही मोहब्बत करते रहे। और बाकी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी। और कमेंट्स लाजमी करते रहे, फीडबैक अपना लाजमी दीजिएगा कमेंट्स करके। आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में जो है इंशाल्लाह अच्छी अच्छी बातें करेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे, एक अच्छे अच्छे टॉपिक पर वीडियो जो है वो अगली वाली है। और
मेरी ऑडियंस मुझे इतना मोहब्बत दे रही है, इतनी मोहब्बत दे रही है, और मेरी ऑडियंस चाहती है कि मैं बात करती रहूं ज्वाइंट फैमिली में, उनको मोटिवेशन मिलती है। वो लोग मुझे कहते हैं कि आप आपसे आपकी वीडियो देखने से जो है हमें पता चल रहा है कि फैमिली में किस तरह रहना है या किस तरह डील करना है लोगों को। तो इंशाल्लाह कल भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हम लोगों ने नेगेटिव इन लॉज जो होते हैं, हमारे जो नेगेटिव इन लॉज होते हैं स्पेशली, ठीक है ना, क्योंकि हर तरह के लोग होते हैं, तो हम नेगेटिव इन लॉज के बारे में जो कल है, यानी हमारे जो नेगेटिव ससुरालिये होते हैं, जो बहुत जालिम ससुरालिये होते हैं, उनके बारे में जरूर बात करेंगे। और इंशाल्लाह कल का ब्लॉग लास्ट में देखिएगा। चले जी, कॉमेंट्स लाजमी करते हैं और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब लाजमी करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।